नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। किसान विरोधी है भाजपा सरकार, किसानों के साथ खड़ी है सपा। कोरोना की वैक्सीन जनता को नहीं देना चाहती सरकार। आजमगढ़ का नाम बदलने वालों का नाम बदल देंगे। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को दिन में पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा के घर निजी कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार व राज्य सरकारों पर जमकर भड़ास निकाली। किसान बिल, किसानों की फसल के समर्थन मूल्य, विकास के मुद्दे व कानून व्यवस्था पर उन्होंने खूब कोसा। पिछले दिनों सपा के आंदोलन व अपने ऊपर बैरिकेडिंग तोड़ने के आरोप पर कहा कि किसान केवल अपनी फसल का समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, जिसको लेकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आजमगढ़ न आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में अगर यह वहां आते तो उन पर सवाल खड़े किए जाते। आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट। कल सबसे पहले हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक और पार्टी के संघर्ष में लगातार रहने वाले, सरकार में रहे पूर्व मंत्री वसीम अहमद साहब के परिवार से मिलने का मौका मिला। अचानक उनका देहांत हुआ और लगातार उन्हें बीमारी से लड़ना पड़ा। बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहा और इधर जब परिवार से बातचीत हुई, कुछ दिन पहले उन्हें कोविड का भी शिकार होना पड़ा था और परिणाम ये हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके पूरे परिवार के साथ इस दुखी घड़ी में खड़े हैं। इस दुखी घड़ी में हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके परिवार के साथ हैं और हर दुख सुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैंने उनके परिवार से बातचीत की, बेटे से मुलाकात हुई, भाइयों से मुलाकात हुई और उनके सहयोगी साथी मुलाकात में शामिल थे। उन्होंने सभी ने यही कहा कि दिन रात वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे, दिन रात उनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी और जनता थी। हम समाजवादी लोग उनके परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं आजमगढ़ में, क्योंकि दुर्गा जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इनके बेटे का विवाह हुआ है और मुझे शादी में भी शामिल होने का मौका मिला था लखनऊ। हालांकि आशीर्वाद और सबसे मिल लिया था मैं, लेकिन वसीम अहमद साहब और फिर शादी के कार्यक्रम की वजह से बहुत दिन से आजमगढ़ नहीं आया था, तो इस बहाने, शादी के बहाने सब लोगों से मिलने का मौका भी मिल रहा है। आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी के संघर्ष, समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों का हमेशा समर्थन किया है और लगातार आजमगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी काम करती आएगी। आज जब मैंने एक अखबार पलटा तो अखबार में मैंने देखा कि जो समाजवादी सरकार की योजना शुरू हुई थी, हमारे पशुधन खासकर जानवरों के इलाज के लिए, वो अस्पताल आज भी अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया। एक प्रतिष्ठित अखबार में ये पहली खबर पन्ना पलटते ही मिलती है। कल जब रात को मैं एक हिस्से से आजमगढ़ के रात में निकला तो बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक बड़ा अच्छा स्थान बन रहा था, वो अधूरा है, वो अधूरा है। इसी तरह जो सड़कें हैं, जो समाजवादी सरकार में रफ्तार से विकास शुरू हुआ था आजमगढ़ का, वो रोक दिया है। आज मैं जब रानी सराय से निकल रहा था, एक व्यापारी नौजवान साथी मोबाइल ऑन करके मेरे सामने आया और उसने सड़क की तरह इशारा किया। तो ये जानते हैं आप लोग कि क्योंकि सांसद होने की वजह से वो शिकायत कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आजमगढ़ की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रहे हैं।